गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज दीप्ति एंड आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मैं भी अच्छे से हूँ। और आज मैं आपको घुमाने लेके जा रही हूँ, ये पोर्ट ब्लेयर राजीव गांधी वाटर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ फिनिक्स बे जेटी है, वहाँ से हमारी फेरी जाएगी रॉस एंड नॉर्थ बे आइलैंड। फाइनली आज हम जा रहे हैं, जो पिछली बार कैंसिल हो गया था वेदर कंडीशन की वजह से, बट हमने एक और दिन एक्स्ट्रा, हमने आने जब हम यहाँ आए थे पोर्ट ब्लेयर तो दो दिन का नाइट स्टे रखा था यहाँ पे, और फिर वापस आए, आज हमारा 10th डे है, हमने दो दिन का फिर रखा है क्योंकि हमें पता था यहाँ वेदर कंडीशंस चेंज होती रहती है, इसलिए कोई चीज़ हमारी रह ना जाए, इसलिए हमने दो दिन एक्स्ट्रा रखे थे पोर्ट ब्लेयर के लिए। तो फाइनली आज हम जा रहे हैं रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड। तो अंडमान में आज हमारा है 10th डे, और इस 10th डे पे फाइनली हम जा रहे हैं नॉर्थ बे आइलैंड और रॉस आइलैंड। टिकट बुक हो चुके हैं और बस फिंगर क्रॉस की हुई है कि हम चले जाएं यहाँ से, इस बार कैंसिल ना हो। तो ये जो राजीव गांधी वाटर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से टिकट बुक होते हैं नॉर्थ बे आइलैंड और रॉस आइलैंड के लिए। ये सुबह 7 बजे यहाँ आना पड़ता है क्योंकि आपको खुद आना पड़ता है और टिकट बुक करवाने पड़ते हैं, अदरवाइज टिकट ऑनलाइन नहीं बुक करते हैं। और 7 बजे आने के बाद फिर लगती है भूख, क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ 7 बजे पहुँचना पड़ता है तो ब्रेकफास्ट तो हो ही नहीं पाता जहाँ आप स्टे करते हो। तो इसी के ठीक सामने एक कैंटीन है जो रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट देती है। जो भी यहाँ पे आते हैं नॉर्थ बे और रॉस आइलैंड घूमने के लिए और ये फेरी बुक करने के लिए, वो यहीं पर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो जब तक हमारी फेरी रेडी होती है, अभी हमारे पास टाइम है 1 आवर, तो तब तक हम भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है। तो चलिए आपको दिखाएंगे कैंटीन के अंदर का। पहले जब हम अपने जहाँ पे हम स्टे कर रहे वहाँ से निकले थे, मौसम क्लाउडी था तो डर लग रही थी कि आज कैंसिल ना हो, क्योंकि हमारे पास आज का दिन है, कल टुमारो आफ्टरनून में हमारी फ्लाइट है, तो हमें हमारे पास आज का ही दिन बचा था ये वाला नॉर्थ वे और रॉस आइलैंड घूमने का। तो अभी थोड़ा मौसम खुल गया है और सन आ गया है, तो फाइनली लगता है कि आज हम कर लेंगे नॉर्थ वे आइलैंड और रॉस आइलैंड घूमा लेंगे। गर्म बहुत, गर्म बहुत गर्म है अभी। अच्छा यहाँ का पिछली बार भी हमने खाया था तो टेस्टी था ब्रेकफास्ट, अब करना थोड़ा हैवी ठीक रहता है। ये मरीना पार्क के पास राजीव गांधी वाटर कॉम्प्लेक्स है, बाहर बोर्ड लगा है बड़ा, से अंदर आएंगे तो अंदर आते टाइम आपको राइट साइड में ये दिखेगा, यहाँ पे ही बुकिंग होती है मॉर्निंग सुबह 7 बजे से। और इसके चार्जेस भी मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको दोनों जगह जाना है नॉर्थ बे आइलैंड और रॉस आइलैंड तो 770 है, और अगर अलग अलग जाना है तो नॉर्थ बे आइलैंड का 570 और रॉस आइलैंड का 370 है, जिसका नाम चेंज होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो चुका है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया था 30 दिसंबर 2018 में। वो फ्लैग पॉइंट दिख रहा है यहाँ से, जहाँ उस दिन हम ले गए थे, जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने फ्लैग होस्ट किया था सबसे पहले 1943 में, वो वहाँ मेरी फिंगर के बिल्कुल सामने दिख रहा है। तो ये मरीना पार्क के ठीक सामने फिनिक्स बे जेटी है और वो सामने दिख रहा है रॉस आइलैंड लेफ्ट साइड में मेरे। और जब टिकट बुक हो जाता है आपका तो उसके बाद आपको अपनी बोट का नाम मिलता है और उसी बोट में आपको जाना होता है, यहाँ से ले जाते हैं। तो सब लोग अलग अलग जाते हैं जिसकी जो बुकिंग में बोट का नाम हो, हमारी बोट का जो नाम है वो है C-Line 18। ये सामने आइलैंड दिख रहा है और रॉस आइलैंड है, लेकिन सामने तो पहुंच गए रॉस आइलैंड हम। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं। Thank you.
आपको जैपनीज बंक करके अंदर ले चलती हूँ। ये उस टाइम बने थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम, जैपनीज ने जब इस आइलैंड पे कंट्रोल कर लिया था पूरा, तो उस टाइम पे जैपनीज बंकर बने हुए थे। बंकर के अंदर यहाँ पे गन या वगैरह से फायर करते होंगे। तो अपने बैकग्राउंड में देख लोगे बहुत सारे डियर्स वगैरह हैं यहाँ पे, जो आराम से आपको टच करने देंगे और अपने फोटो क्लिक करने देंगे अपने साथ। और ये जो रॉस आइलैंड है, जब पहले वर्ल्ड वॉर सेकंड में जापानीज़ ने यहाँ कब्जा कर लिया था, बट जापानीज़ ने कब्जा करने के बाद थोड़े टाइम बाद उसे छोड़ दिया था, और उसका दोबारा ब्रिटिशर का यहाँ पे कब्जा हो गया था, और ब्रिटिश ने फिर इसको रॉस आइलैंड को डेवलप किया था। अभी हम वेट कर अपनी गोल्ड कार्ड का, ऐसी होती है देखिए 80 rupees पर पर्सन मिलती है, और यही इसी में आप घूमते हो पूरा रॉस आइलैंड। देखिए यहाँ पे इस आइलैंड में, रॉस आइलैंड में डियर्स कितने फ्रेंडली हैं, लोगों के पास जा जा के उनसे मिल रहे हैं। देखिए डर नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। देखो यहाँ की रॉस आइलैंड की सारी हिस्ट्री यहाँ पे आपको मिलेगी। अभी इसको लाइट एंड साउंड सो इस पे यूज करता है, सोता है 5:30 को सर इस जगह में सोता है। और सर ये जो देख रहे हैं सर, ब्रिटिश टाइम का क्लब है सर, सबोर्डिनेट्स क्लब। इसका अंदर क्लासरूम, बार रूम, डांस रूम सब अवेलेबल था सर। हमने देख रहे हैं ना, ये वाला था चर्च, 1840 में बनाया था सर, इस चर्च में ये चर्च। और सर ये जो नीचे देख रहे हैं सर, अंडमान का 2 नंबर जेल था सर, पहला जेल था वाइपर आइलैंड, 3 नंबर जेल तो आप लोग देखा होगा पोर्टलैंड में सिंह का। तो ये कहते हैं हॉन्टेड प्लेस भी है, कोई हॉन्टेड प्लेस है ना, कोई डरावनी नहीं है। और सर ये जो देख रहे हैं ना, ऐसा कमिश्नर बंगलो, अभी इसका सीढ़ी बस है, बाकी सब टूट गया। ऐसा हालत में वो फोटो में बहुत अच्छा लगता है। और सर ये जो इसे देख रहे हैं ना सर, अभी का पावर हाउस है, ये आइलैंड का सारा सप्लाई सर अभी इधर से जाता है, इसको रिपेयरिंग करके पावर हाउस का। इलेक्ट्रिसिटी है भैया यहाँ पे, टूट गया था बच्चे थोड़ा रिपेयरिंग कर रहे सर। और जो आगे का पहला ओरिजिनल वाला आप लोग सामने देख सकते हो वाला, इधर से लेके सर पूरा रास्ता ट्रूप्स बैरक ही है सर। ट्रूप्स बैरक है पीछे भी, ये बिल्कुल बैरक ही है अभी पूरा रास्ता। अभी हम लोग सी लेवल से 200 feet हाइट में हूँ सर। और सर आगे सर इससे एक लाइट हाउस है, ये आइलैंड का सबसे अच्छा व्यू पॉइंट है, आप लोग जाके 20-25 minutes में देख के आ जाएगा। ठीक है सर, आप लोग रिटर्न टाइम कोई भी गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं, मेरा गाड़ी नंबर 1 है सर, 1 नंबर बोलना, आप लोगों को लेके जाएगा। ठीक, बिस्किट थोड़ी का देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और अब हम जा रहे हैं रॉस आइलैंड के लाइट हाउस देखने के लिए।
के टाइम जब जैपनीज ने यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया था रॉस आइलैंड में, तो उसके बाद ज्यादा टाइम तक वो अपना कंट्रोल यहाँ पे नहीं रख पाए थे, तो उसके बाद उन्हें ब्रिटिशर को ये वापस करना पड़ा था। और कोई ब्रिटिश ऑफिसर थे सर रॉस, उन्होंने ही ये आइलैंड डेवलप करा था रॉस आइलैंड, इसलिए उनके नाम पे ही इस आइलैंड का नाम रॉस आइलैंड रखा गया। और उसके बाद ये अभी चेंज हुआ है 2018 में। अब आप 11 नंबर की गाड़ी में आओ। गोल्फ कार्ट में जब हम बैठते हैं सबसे पीछे वाली सीट लिए लीजिए, क्योंकि हम आधे टाइम आगे वाली सीट में बैठते तो मजा नहीं आता था, सबसे पीछे वाली सीट में मजा आता वो। जो अंडमानी डायलेक्ट है, बाद में जब ब्रिटिशर का कंट्रोल हुआ तो इसका नाम चेंज होके यहाँ के ऑफिसर थे एक ब्रिटिश सर डैनियल रॉस, उनके नाम पे रॉस आइलैंड रखा। ये सामने जो आइलैंड दिख रहा है ये आपका नॉर्थ बे आइलैंड है, इसको और एक नाम से जाने जाते हैं, इसको बोलते हैं कोरल आइलैंड। 20 रुपीज का नोट का बैक साइड में इस आइलैंड का फोटो दिया हुआ है, क्योंकि इस आइलैंड का खासियत होता है अंडर वाटर कोरल, वही चीज आप लोग यहाँ पर नेचुरल देखने के लिए आए। ये लेफ्ट साइड में जो हो रही है वो स्नॉर्कलिंग करवा रहे हैं और राइट साइड में स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। जो यहाँ के स्टाफ है सेली सबमरीन वाले वो बोल रहे 5 मिनट्स रुकिए तब दिखेगा। चलिए देखते हैं, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा।